भाई मैंने अपनी लाइफ में ऐसे लड़कों को देखा है जो दिखने में तो कुछ खास नहीं थे, ठीक ठाक थे, लेकिन बंदी इंसान की औकात से ज्यादा सुंदर सेट थी। और मैंने ऐसा एक बार नहीं कई बार देखा है। मेरे एरिया में भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो दिखने में अपनी तरह ही हैं, लेकिन इनसे दो दो बंदियां सेट है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लड़कों के बारे में बताने वाला हूँ जो लड़की पटाने में एक्सपर्ट होते हैं। इन्हें जहाँ भी प्रसाद खाने का मौका मिलता है ये दोनों हाथ भर के खाते हैं। तो अब ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले टाइप ऑफ बॉयज की तरफ, जो है डिसेंट बॉयज। भाई जो डिसेंट लड़के होते हैं ये लड़के लड़की पटाने में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। और ये अगर एक्सपर्ट नहीं भी होते हैं तब भी इनकी किस्मत कह लो, इनका गुड लक कह लो, बंदियां इनसे सबसे ज्यादा सेट होती हैं, क्योंकि ये डिसेंट होते हैं। ये अपने आप को बनाते ठनाते नहीं है और बहुत ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी बनाने पर भी जोर नहीं देते हैं। इन लड़कों की पर्सनैलिटी डिसेंट सी होती है, जिनको आप एवरेज लुकिंग कह सकते हो, अबव एवरेज लुकिंग कह सकते हो। ये लड़के मध्यमार्गी होते हैं, ये ना ज्यादा इस तरफ होते हैं ना ज्यादा उस तरफ होते हैं, लेकिन बंदी ज्यादा इनकी तरफ होती है। और जिन लड़कों को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होगा या जो लड़के लड़की पटाने में एक्सपीरियंस होल्डर होंगे वो मेरी बात से जरूर सहमत होंगे। अगर आप भी सहमत हो तो वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताना। तो अगर आप भी लड़की पटाने में महारत हासिल करना चाहते हो, थोड़ा बहुत एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो भाई डिसेंट बॉय बनो और अपनी पर्सनैलिटी को भी डिसेंट रखो, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। अगर आप पहले अपनी पर्सनैलिटी को लो रखते थे तो उसे थोड़ा सा बढ़ाओ, और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को हाई रखते थे तो भाई रिजल्ट नहीं मिला ना, तो अब उसे थोड़ा सिंपल करो, आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, मैं कन्फर्म हूँ। तो अब चलते हैं सेकंड टाइप ऑफ बॉयज की तरफ, जो है चतुर लड़के। भाई कई लड़के होते हैं जो बिना मौके के ही चौका मारने की कोशिश करते हैं, और कई लड़के होते हैं जो मौके पर कुछ कर ही नहीं पाते, लेकिन कुछ लड़के होते हैं जो चालाक होते हैं। ये लड़के अपनी चतुराई से लड़की पटाते हैं। ये लड़के कभी भी लड़की पटाने में अपने दिल से काम नहीं लेते, बल्कि ये लड़के लड़की पटाने में अपने दिमाग की चतुराई का इस्तेमाल करते हैं, जिसका रिजल्ट इनको इनके फेवर में मिलता है। ऐसे ही एक लड़की को पटाते हैं, उससे मजे लेते हैं, उसके बाद दूसरी को पटाते हैं, उससे मजे लेते हैं, उसके बाद किसी और को पटाते हैं। ये कभी भी खाली नहीं रहते, खाली रहते भी हैं तब भी इन्हें सामने से सिग्नल आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो अगर आप भी लड़की पटाने के लिए सेकंड टाइप ऑफ एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो लड़की पटाने के लिए दिल का इस्तेमाल करना भूल जाओ। एग्जाम्पल, अगर आपने उसे इम्प्रेस करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली और वो लड़की आपसे नहीं पट रही है तो उसे धक्का दो, उसके चक्कर में आप अपने करियर पर भी फोकस नहीं कर पाओगे। और इसके बाद जब आप किसी और लड़की को पटाओ तो उसे अपने दिमाग की गहराई की चतुराई से पटाओ, बंदी आपसे पट भी जाएगी और आपको झटका भी नहीं लगेगा। और इसे ऐसे ही कंटिन्यू रखो, आप खुद देखोगे आप धीरे धीरे लड़की पटाने में एक्सपर्ट बन गए। तो अब चलते हैं थर्ड टाइप ऑफ बॉयज की तरफ, जो है टैक्टफुल बॉयज। ये लड़के भाई लड़की पटाने में इसलिए एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि ये लड़के टैक्टफुल होते हैं और इन्हें लड़की पटाने का ज्ञान पहले से ही होता है। इन्हें सब पता होता है कि मोहल्ले में नई आई लड़की से इन्हें कितने दिन आई कॉन्टेक्ट करना है और उसे आई कॉन्टेक्ट करने के कितने दिन बाद ऑफर मारना है। ऐसे लड़के भी लड़की पटाने में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ऐसे लड़के बस तब मार खा जाते हैं जब ये लड़के किसी लड़की से प्यार कर बैठते हैं और अपने दिल की सुनने लगते हैं। दिल से तो भाई कभी भी लड़की पटाई ही नहीं जाती। तो अगर आप थर्ड टाइप ऑफ एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपके अंदर टैक्ट होना जरूरी है, और वो कैसे आएगा, जब आप डिसेंट बनोगे, थोड़ी चतुराई दिखाओगे और इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस लोगे। तो ये तीन चीजें करो और लड़की पटाने में एक्सपर्ट बन जाओ, और उसके बाद जो करना है वो करो। लेकिन फिलहाल अभी जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन आता है उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करो, और अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो चेक कर लो नोटिफिकेशन पर ऑल पर क्लिक कर रखा है या नहीं। अगर नहीं कर रखा है तो भाई ऑल पर क्लिक कर देना, तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज यार वीडियो के लिए एक लाइक करो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी दोस्त में शेयर होनी चाहिए तो प्लीज यार ज्यादा सोच विचार ना करो, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर करो, और कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करो। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।